इंडिया में कार चोरी होना, बाइक चोरी होना काफ़ी आम बात हो चुका है और चोर इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि इनको बस 5 सेकंड लगते हैं गाड़ी चुराने के लिए, चाहे गाड़ी कोई सी भी हो। इंडिया में कई सारे लोग ओपन पार्किंग या घर के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं और इससे मॉनिटर करने के लिए आपका CCTV कैमरा लगाना ज़रूरी हो जाता है। कई बार आप शायद उस वक्त CCTV फुटेज भी देख रहे हो जब कोई चोरी करने वाला हो, या फिर अगर कोई कोशिश भी करे तो कम से कम उनके चेहरे या कोई आइडेंटिटी, गाड़ी नंबर वगैरह CCTV कैप्चर कर लेगा और उन्हें पकड़ने में आसानी होगी। आज एक ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया जहाँ शायद कुछ सेकंड की अगर देरी होती और ओनर घर से बाहर ना आता लाइव CCTV फुटेज देखने के बाद, तो उनकी गाड़ी वहां से उठ चुकी होती। ये लाइव CCTV फुटेज मिस्टर यश ने हमारे ईमेल पर शेयर करी थी। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। मिस्टर यश ने बताया कि ये इंसिडेंट उनके घर बरेली में हुआ जहाँ शाम के वक्त उनकी बाइक घर के बाहर पार्क थी। तभी चोर बाइक पर आया और उनकी कॉलोनी का एक राउंड लगाया और जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उनकी बाइक का हैंडल लॉक तोड़ा। पर मिस्टर यश ने घर में CCTV कैमरा लगा रखा है और तभी उन्होंने इन लोगों को बाइक के पास आते देख और सीधा बाहर गए। मिस्टर यश को आते देख चोर वहाँ से भाग गए, वरना शायद अगर 20 से 30 सेकंड की देरी और होती तो उनकी बाइक यहाँ से गायब होती। आगे आप वो CCTV फुटेज देख सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ किस तरह से चोरों ने प्लानिंग के साथ बाइक को अप्रोच किया और बाइक उड़ा भी लेते अगर मिस्टर यश टाइमली बाहर नहीं आते। मिस्टर यश ने बताया कि एक दो दिन पहले उनकी कॉलोनी से एक अपाचे भी गायब हो चुकी थी और इस तरह के इंसिडेंट्स काफ़ी कॉमन है, इसलिए CCTV भी एक काम की चीज़ बन जाता है क्योंकि चोर काफ़ी एडवांस हो चुके हैं और बस कुछ सेकंड का समय इन्हें चाहिए होता है गाड़ी चुराने के लिए। आपका क्या सोचना है इस इंसिडेंट्स के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।